करनाल के घरोंडा अनाज मंडी एसोसिएशन के आह्वान पर तीन कृषि अध्यादेशों को लेकर व अपनी मांगों को लेकर आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल को राइस मिलर भी समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आढ़तियों व मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। यहाँ यह भी बता दें कि घरोंडा की एक कार्यकारिणी की बैठक प्रधान रामलाल गोयल की अध्यक्षता में करने के बाद आढ़तियों ने हड़ताल का रुख किया है। बताते चले कि घरोंडा मंडी भी 20 सितंबर तक पूर्णतः बंद रहेगी। आढ़तियों के अनुसार सभी परचेजर से बात हो चुकी है और उन्होंने हड़ताल का समर्थन भी किया है। किसानों को भी हड़ताल चलने तक अपनी फसल मंडी में ना लाने के लिए कहा गया है। आढ़तियों ने कहा कि तीनों कृषि अध्यादेशों को वापस लेने, कृषि आंदोलन के दौरान किसानों व आढ़तियों पर किए गए मुकदमों को वापस लेने, सभी फसलों की खरीद आढ़तियों के माध्यम से करने, किसी भी मद में काटी गई आढ़तियों की राशि को वापस देने की मांग प्रमुख है। इसके अलावा मंडियों को टैक्स फ्री करने की भी मांग की गई है, जिससे किसानों को सही फायदा मिल सके। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। देश किसानों की भलाई का नाम लेकर के आई है। वो इस ट्रेड को जो सिस्टम है मंडियों का, इसको ख़त्म करने वाला ये अध्यादेश है। और मैं इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये अध्यादेश कि हमारा जो मंडियों का सिस्टम है, हरियाणा और पंजाब दो स्टेट ऐसे हैं, कुछ थोड़ा बहुत राजस्थान, कि जहाँ मंडी सिस्टम बहुत ही सुचारू रूप से पिछले 20-30 सालों से चला हुआ है। बाकी कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर ये मंडी सिस्टम इतनी अच्छी तरह से इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन जो अब ये अध्यादेश आए हैं, उन अध्यादेश की एवज में जो हरियाणा और पंजाब की मंडियाँ थी जो सुचारू रूप से चल रही है, वो भी ख़त्म होने जा रही है। जहाँ तक किसान हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, दोनों मिलकर के रोड जाम करने वाली जहाँ तक बात है, हम उनके साथ हैं। तो कोई भी किसी भी प्रकार का भी जो भी एजिटेशन किसान आंदोलन वो करना चाहेंगे, हम हर समय उनके साथ हैं। सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो क्लस्टर लॉस के नाम पे जो पैसा काटा गया वो हमें वापस किया। ये धरना कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक सरकार जो है जो हमारे मांगे पूरी नहीं करती, जो हमारी मांगे हैं जो हमने अभी आपको बताई थी, वो तब तक ये जारी रहेगा जब तक पूरा हरियाणा में इसका फैसला होगा। ये हरियाणा स्तर का धरना है और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो हमारी जो स्टेट लेवल की बॉडी है वो जब फैसला करेगी कि आज हड़ताल ख़त्म है तो हम उठ जाएंगे, तब तक नहीं बैठेंगे। मंडी में किसान आएगा तो उसे अपनी फसल का रेट का, आज के रेट का भी पता होगा। लेकिन बाहर दो तीन धरना सेटों को बिठाकर सरकार चाहती है कि वो पुराने रेटों में जमींदार का माल लेते रहे, उसका शोषण करता रहे। अलग अलग उनके राइस मिल होंगे, वहाँ जाके उनका शोषण हुए। मंडी में आएगा उसको पता चलेगा आज मेरी जीरी का क्या रेट है। चाहे तो सरकार हर जीरी का MSP निकाल ले, लेकिन जो जीरी 3000 बिकती है, 2500 बिकती है, उसमें बाहर बिल्कुल किसानों का शोषण होगा। और सरकार धरना सेठों के साथ मिलकर किसानों के शोषण पे लगी हुई है। अभी कोई परचेज नहीं होगी। अब किसान भाई भी हमारे साथ हैं। माननीय सुषमा स्वराज जी ने संसद भवन में बिल्कुल साफ बोला था, आढ़ती और किसान का चोली दामन का साथ है। लेकिन अब ये कुछ अहंकार में आके उन बातों को बिल्कुल भूल गए हैं। ये सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं के अंदर हम हर चीज़ का नाश करते चले। जब देश पे कोई विपदा आती है, कोरोना जैसी महामारी आई थी, तो इनको व्यापारी वर्ग याद आया था, उसने सबकी मदद भी की थी। लेकिन वो बीमारी नहीं थी, एक प्रोपगंडा था। अब वो कुछ लोग बाग फरी हुए हैं तो ये व्यापारियों का शोषण करने पे दोबारा उतारू हो गई है सरकार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.